Hi investors, welcome to SOIC. So in today's business analysis, we'll be talking about a company which operates in a very niche space. So Vinithi Organics ki aaj hum baat karenge is analysis mein, and this business has been one of the best performing stocks of the last entire decade, and what are the reasons behind it, we'll discuss that in this video. So we have divided this video into 4 to 5 parts. So what is the first part of the video? We'll be talking about the business history. In the second part of the video, we'll be discussing the product development stage. In the third part of the video, I'll be talking about the business strategy that Vinithi Organics follows today. And in the fourth part, we'll be talking about the future opportunities. And in the last part of the video, we'll be talking about risk and valuations, because valuations cannot be discussed without discussing the sources of risk. So before I get into the video, hum pehle baat karenge ek bahut interesting mental model ki. Ab ye mental model kya hai? Basically, ye mental model ka naam hai principle of competitive exclusion. तो प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिटिव एक्सक्लूजन क्या बताता है कि नेचर के अंदर कुछ कुछ स्पीशीज होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज करते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एरिया में दो स्पीशीज रह रहे हैं पर उसमें जो पहला स्पीशी है वो उस एरिया के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्पेशलाइज है, तो इवेंचुअली जो सेकेंड स्पीशी है डैट विल गो एक्सटिंक्ट बिकॉज उसको उतने रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगे. अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में समझें, सपोज आई एम कम्पीटिंग विद समवन हु हैज कैपेबिलिटी ऑफ विराट कोहली इन क्रिकेट, एंड यू हैव टू टेक अ बेट कि आप किस पे बेट करेंगे, कि विराट कोहली के जिसके पास कैपेबिलिटी है उस पे बेट करेंगे या फिर मेरे पे बेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 मैचेस. एंड बेट्स की कंडीशन क्या है कि आफ्टर 5 to 10 मैचेस जो बंदा उस बेट में सक्सीड करेगा या तो जो प्लेयर ज्यादा कैपेबल होएगा तो दैट प्लेयर विल सक्सीड, वेयरएज द अदर वन विल गो एक्सटिंक्ट, विल हैव टू रिटायर बेसिकली फ्रॉम क्रिकेट, जो हम काफी बारी सिलेक्शन के अंदर देखते भी हैं. सो दिस इज अगेन प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिटिव एक्सक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स आउट एंड द प्लेयर और द कंपनी विच इज रियली रियली कंपेटिटिव इन अ फील्ड और अ नीश सक्सीड्स इवेंचुअली. तो कमिंग टू Vinithi Organics बिजनेस एनालिसिस, तो Vinithi Organics वॉज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1989 बाय विनोद सराफ. विनोद सराफ बेसिकली इट वॉज अ वेरी नॉवल आइडिया एट दैट टाइम दैट ही वॉन्टेड टू डू समथिंग इन इंडिया. मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट उन्होंने 1989 में लगाया था, एंड बिफोर दैट ही यूज टू वर्क इन अ टेक्सटाइल कंपनी एंड ही वर्क विद द बिरला ग्रुप. एंड बिरला ग्रुप में ही वर्क विद ऑर्गेनिक केमिकल्स लॉट, तो उनको ऑर्गेनिक केमिकल्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था. तो 1989 में ही डिड अ वेरी नॉवल थिंग्स दैट ही वांटेड टू सेट अप हिज ओन स्टार्टअप, एंड ही वेंट टू फ्रांस, एंड फ्रांस में जाके ही गॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आईबीबी आइसोब्यूटाइल बेंजीन फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ आईएफपी. एंड उन्होंने ये टेक्नोलॉजी ही नहीं सिर्फ ली, प्रोसेस ही नहीं लिया सिर्फ, टेक टिप नाम की इंजीनियरिंग कंपनी से उन्होंने पूरा प्लांट सेटअप का टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस भी ले लिया. तो आईएफपी फ्रांस बेसिकली प्रोवाइड देम विद द टेक्निकल नो ऑफ प्रोड्यूसिंग आईबीबी दैट इज आइसोब्यूटाइल बेंजाइन, एंड व्हाट टेक्निप डिड दैट टेक्निप बेसिकली इट प्रोवाइडेड देम विद द टेक्नोलॉजी टू सेट अप द प्लांट, एंड दे ऑल्सो टुक द टेक्नोलॉजिकल रिस्क, एंड विनोद सराफ टुक अ वेरी बिग रिस्क. As they say in psychology and in finance that not taking a risk is also a risk. Many people think that they'll quit their job someday and they'll start their own business. Vinod Saraf actually did that. And how did he do it? That he took a loan of 15 crores mixed with debt and equity, and he launched his company's IPO in 1991. Right, so he took a very big risk at that time. But that risk actually paid off. क्योंकि जो हम isobutyl benzene की बात करते हैं, तो isobutyl benzene ibuprofen बनाने में use होता है. तो अगर हम isobutyl benzene की value chain देखते हैं, तो basically a medicine is made something like this. First we start with the key starting material. Then we come to the intermediate. And after the intermediate comes the active substance. And after the active substance comes the formulation. तो आईबीबी बेसिकली आइसोब्यूटाइल बेंजीन इज बेसिकली यूज्ड इन द इंटरमीडिएट फेज. व्हाई डिड विनोद सराफ गेट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईबीबी? बेसिकली इंडिया उस टाइम पे आईबीबी में बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट था, तो आईबीबी वाज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना इनटू इंडिया. एंड व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि अगर आईबीबी इंपोर्ट हो रहा था तो कॉस्ट ऑफ आईबीबी वाज समवेयर क्लोज टू $6 पर केजी, $6 या $7 पर केजी के आसपास का कॉस्ट था, वेयरएज इंडिया में बनाने का कॉस्ट उनको सिर्फ $2 to $3 के आसपास पड़ रहा था. तो ही फिगर्ड आउट दैट इवन इफ यू हैव टू मेक इट इन इंडिया, इवन इफ यू हैव टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो आर कॉस्ट वुड स्टिल बी चीपर दैन द इम्पोर्ट्स बाय 50 to 60%. सो दिस इज वॉट हैपन. सो वेन यू सेट अप द प्लांट इन 1992, द प्लांट वॉज फॉर 1000 टन्स पर एनम, एंड दे स्टार्टेड सप्लाइंग टू द की डोमेस्टिक प्लेयर्स लाइक स्ट्राइड, शासन, बूट्स इंडिया एट दैट टाइम, हु वर प्रोड्यूसिंग आइबुप्रोफीन यूजिंग आईबीबी.
So this was how he got into the manufacturing of IBB. And IBB mein, if I just fast forward to the next 20 to 25 years, the next 20 to 25 years mein, eventually what happened that like Vinati Organics became the largest producer of IBB in the world. And इस जर्नी में उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करी थी. तो 1995 में जब ये आई बी बी बना रहे थे तो उस टाइम पे दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन द डोमेस्टिक मार्केट्स. बट वॉट वॉज हैपनिंग दैट दे वॉन्टेड टू एक्सपोर्ट आई बी बी एज वेल. बट द फॉरन कस्टमर्स वर नॉट एक्सेप्टिंग आई बी बी कमिंग फ्रॉम अ डोमेस्टिक प्लेयर आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे इंडिया वॉज इन दैट गुड अ डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स. बट विनोद सराफ केप्ट ऑन फोकसिंग, ही केप्ट ऑन मीटिंग डिफरेंट कंपनीज एंड धीरे धीरे करके इन्होंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा विद द की एमएनसीज, क्योंकि आई बी बी के वर्ल्ड वाइड सिर्फ 6 या 7 की मैन्युफैक्चरर्स ही हैं. बट इन 2006 वॉट हैपेंड, अ की डेवलपमेंट हैपेंड इन आई बी बी. So their key competitors in the international market were companies like Shell and Chevron. But 2006 mein what happened, since Vinati Organics cost was one of the lowest cost in the world, so what happened eventually was that the competitor quit the market. So 2006 mein Vinod Saraf's daughter Vinati Saraf joined the business, and in 2006 their key competitor in IBB quit the market, and all of a sudden Vinati Organics share went up. From I think so 20 to 30%, it went up straight to 60 to 65% in the world market in terms of IBB. And in 2006, another very interesting development happened. So BASF, which is the world's largest producer of ibuprofen, became Vinati Organics clients. And today it nearly contributes 40 to 45% of sales for Vinati Organics in terms of ibuprofen. So client concentration risk bhi hai, but again BASF is the world's biggest manufacturer of ibuprofen. So that gives them a very good tailwind. Again, what happened in IBB? So this is where the law of competitive exclusion play out. Kyunki Vinati Organics had a greener process, had a much cleaner process, and had a much more efficient process as compared to the competitor because of technical know-how acquired from France. So what happened was that it became the lowest cost producer. And kya was lowest cost producer ke area mein ki ecosystem mein there is an organism which is the most efficient. The law of competitive exclusion kya kehta hai ki jo most efficient organism hai, eventually that will take away all the resources. And this is what happened in the market of IBB. Eventually Vinati Organics started dominating the world. And today IBB is close to 15% of sales for Vinati Organics, somewhere between 15 to 20%, and the EBITDA margins which they make on IBB is again somewhere close to 15 to 20%. So this was the story of IBB. Now what happened in close to 2001 and 2002, that IBB business actually started slowing down. So 2006 mein to ek one off aa gaya tha, they gained a new customer, but IBB ka historical growth rate is somewhere close to 4 to 5%, kyunki it is very difficult for this market to grow at a very rapid pace, since painkillers log saal mein 10-12% se zyada nahi khane lag jate. To is wajah se Vinati Organics started diversifying into other key products as well. तो सेकेंड प्रोडक्ट सिलेक्शन यहाँ पे कौन सी करी, सेकेंड प्रोडक्ट सिलेक्शन वॉज बाय द नेम ऑफ ATBS. ATBS की बेसिकली यूसेज क्या है कि ATBS इज यूज इन द ऑयल गैस रिकवरी, शेल ऑयल गैस रिकवरी, इट इज यूज इन वाटर केमिकल्स, इट इज यूज एज एन एडिटिव, इट इज यूज इन पेंट्स एंड पेपर कोटिंग. अगेन दिस इज अ वेरी नीच केमिकल. एंड जिस टाइम पे 1999 में इनका प्लान था ATBS एंटर करने का, अगेन विनोद सराफ वेंट and from NCL Pune he acquired a technology to make ATBS in a much more efficient way than the competitors. And us time pe inke sirf do hi competitors the, one was Lubrizol and other one was Torgesai, and I think China mein bhi chote chote players the. So what happened in ATBS was, this is where the power of compounding works its magic. So in 1999 the company wanted to enter ATBS, and in 2002 they set up their first plant for ATBS, and first plant was of 1200 tons per annum, right? And first plant setup karne ke baad, ab kyunki ATBS is basically a performance chemical, kya hote hain ki these chemicals are used as an additive in other chemicals, mane ki kisi aur chemical ko perform karane ke liye these chemicals are used as an additive. So what happened in 2002 was, since this is a performance chemical, the purity of ATBS has to be really really high. अगर यहाँ पे प्योरिटी थोड़ी सी भी कम हुई तो आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा. तो 2002 से लेके 2006 तक Vinati Organics का प्रोडक्ट बार बार रिजेक्ट हो रहा था. इस वजह से रिजेक्ट हो रहा था क्योंकि इतना प्योर लेवल ATBS ये लोग नहीं बना पा रहे थे.
But again, in 2006, something happened, right? Something different happened. तो 2002 से लेके 2006 तक कैश लॉसेस भी बन रहे थे इस प्लांट में. कंपनी वॉज ब्लीडिंग मनी. आईबीबी का पैसा एटीपीएस में जा रहा था. बट द मोमेंट विनोद सराफ डॉटर केम इन द बिजनेस, विनती सराफ, सो व्हाट शी डिड वॉज अ वेरी क्लेवर मूव, जो काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में जुगाड़ के नाम से जानते हैं जिसको. तो व्हाट शी डिड वॉज कि इन 2006 शी हायर्ड एन एक्स लुब्रिजॉल कंसल्टेंट. तो एक एक्स लुब्रिजॉल एग्जीक्यूटिव हायर कर लिया था. लुब्रिजॉल इनका एटीबीएस में सबसे बड़ा कंपेटिटर था. एंड उसको हायर करके अपने एटीबीएस का जो प्रोडक्शन प्रोसेस था उसको इम्प्रूव कराया, और एटीबीएस की जो प्योरिटी थी उसके ग्रेड को ऊपर ले जाने की कोशिश करी. तो विनीति ऑर्गेनिक्स अचीव्ड अ प्योरिटी लेवल ऑफ 99.8% इन एटीबीएस. And suddenly it became again the lowest cost manufacturer in the world because it had the technical know-how from NCL Pune, and its process was much more efficient and much more greener as compared to other companies in the world. So Lubrizol was producing ATBS at $7 to $8 per kg, whereas Vinati was also like selling ATBS at $3 per kg. The cost difference was humongous, basically 50-60% cost difference tha. So what happened eventually was in ATBS, they started with a manufacturing capacity of 1200 tons per annum, but this was again scaled up to 26,000 tons per annum in 2019-2020 ke aaspaas. And in 2018, a very key development happened. Lubrizol, which was their one of the biggest competitors in ATBS, they quit the market because they weren't able to make profits on this product because Vinati was undercutting them by 50-60%, as Vinati was the lowest cost manufacturer in the world. Again, यहाँ पे law of competitive exclusion played out. The species which was more efficient in terms of using resources, which was more adapted to circumstances, survived, whereas the species which was inefficient had to quit the market. This is why this law is really, really interesting, and this plays out in most of the industries जहाँ पे कोई lowest cost producer होता है. So ATBS is currently 60% of the sales. But जब मैं third product की बात करूँगा, just remember that ATBS का 30% वॉल्यूम इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस. तो दैट दिस कैन बी अ रिस्क विच विल टॉक अबाउट लेटर. सो थर्ड प्रोडक्ट विच दे डिसाइडेड टू एंटर वॉज बाय द नेम ऑफ आइसोब्यूटिलीन, जिसको आईबी के नाम से जानते हैं. इन्होंने कुछ 12,000 टन्स पर एनम का फैसिलिटी लगाया था आईबी का आइसोब्यूटिलीन का. एंड आइसोब्यूटिलीन का भी टेक्निकल नो हाउ दे बॉट फ्रॉम साइपेम इटली. तो इसका भी टेक्निकल नो हाउ दे बॉट फ्रॉम आउटसाइड. Now the question arises that why did this company enter isobutylene? The reason is that isobutylene is basically acts as a backward integration for ATBS. So ATBS ko banane ka jo raw material hai, that is your acrylonitrile and IB, that is your isobutylene. So that is why they entered into backward integration of isobutylene. To pehle isobutylene Europe and China jaisi countries se import kar rahe the, which led to their cost being a little higher. So the moment they did backward integration, their cost fell by 15% of producing ATBS. And that was not only it. Entering into isobutylene also led to other kind of derivatives opportunities for them. This was the third product which they entered. Now coming to the fourth product which the company entered, which is linked to very interesting development and which actually tells us the strategy of the company a bit. So let's look at this chart. So basically how ATBS is made, that it is made by the reaction of acrylonitrile and isobutylene. So isobutylene is made from MTBE naam ka ek product aata hai, MTBE se banta hai, which company buys from refineries, right? So MTBE se bhi company, what the company did was, let's just understand things a bit over here. So MTBE se company ne HPMTBE banana start kar diya, which is a high purity MTBE, which is also used in Vinati Organic sales. To iski bhi selling company ne start kar di. Aur uska jo by product bach raha tha methanol, company ne usko bhi market mein bechna start kar diya. And with backward integrating into isobutylene, this opened up opportunities for them into the derivatives of isobutylene. Let's just understand this a bit. So isobutylene ke derivatives mein, the company went into manufacturing of PTBT, company went into manufacturing of PTBBA, and third thing is company is also setting up a plant for butylated phenols, which has already been commissioned. तो यहाँ पे समझते हैं कि PTBT is also used in manufacturing of perfumes, right? It is also used in manufacturing of polyurethane. Whereas PTBBA is used as an ingredient in sunscreen, right?
So this was the company's vertical integration, horizontal integration and backward integration policy. अब यहाँ पे हम forward integration में भी देखते हैं कंपनी ने क्या करा. तो जो unreacted acrylonitrile रह रहा था, कंपनी ने उससे DAAM नाम का एक product बनाया. And moreover, ACN से acrylonitrile से कंपनी also went into manufacturing of TBA and it forward integrated from TBA into polymers. So guys, this just shows us that the company is horizontally integrated, like it has done backward integration, has done vertical integration, and the company has also done horizontal integration. So company is so integrated that this just gives us an idea of their cost structure. Ki ATBS mein you are integrated till the basic raw material from where it is made, right? Again, following the strategy of entering into derivatives and getting into forward integration is, the company is entering into a new product by the name of butylated phenols. Butylated phenols, basically these are used in your perfumes and your resins. They are also used in production of polyurethane. So butylated phenols, maybe company is making four products right now. And it is important to remember that this is linked to their business strategy of doing vertical, horizontal, backward and forward integration. So yahan pe butylated phenols is also a derivative of IB. Why I'm telling you this? Because it is important to remember ki company has a raw material of making butylated phenols in-house. So butylated phenols mein 2/3 phenols dalte hai and 1/3 aapka isobutylene dalte hai. So the question arises that why butylated phenols now and why not earlier? The answer is simple. India mein pehle phenols ka plant hi nahi tha. तो दीपक नाइट्राइट ने रिसेंटली प्लांट लगाया फिनॉल्स का, जिसकी वजह से एक डोमेस्टिक सोर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया. दिस इज व्हाई कंपनी डिसाइडेड टू एंटर इनटू द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स. एंड ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स की प्रोडक्शन में कंपनी हैज स्पेंट क्लोज टू 240 करोड़ रुपीज एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेक अ रेवेन्यू और टॉप लाइन ऑफ 400 करोड़ आउट ऑफ इट. एंड यहाँ पे 35,000 tons पर एनम का कैपेसिटी कंपनी इज पुटिंग अप, विच हैज ऑलरेडी बीन कैपिटलाइज. And yahan pe the size of market opportunity in terms of the entire world is somewhere close to 4 lakh tons per annum. The company is setting up a facility of 35,000 tons per annum and India mein is product ka kuch 23 to 25,000 tons per annum ka demand hai. To yahan pe hum thoda sa inke future ki baat karenge ki future mein kaun kaun se products naye enter kar sakte hain. To yahan pe do inke paas policies hain. So inki future growth mein bhi do strategies hain. So company can either do forward integration and enter into antioxidants or butyl phenols. मतलब butyl phenols का भी जो एक forward integration है company उसके अंदर जा सकती है. And second strategy में company क्या कर रही है कि company अपने ATBS का facility expand कर रही है from 26,000 tons per annum to 40,000 tons per annum. तो again this is a brownfield capex, right? So these are the future growth opportunities. And another future growth opportunity can be entering into more IB derivatives. तो भी isobutylene के और derivatives में भी enter कर सकते हैं. Now what is the strategy of the company? Coming to the business strategy. So first business strategy which is very clear is that the company only enters niche products. And niche products enter करके company पहले import substitute करेगी उसके अंदर से. And second चीज company क्या करेगी कि company world market dominance achieve करने की try करेगी through their low cost structure. And how does the company achieve the low cost structure? By doing technical know-how tie-ups with different kind of universities or different kind of research institutes. So this gives them the technical know-how. And moreover, after getting the technical know-how, they scale up their capacities like anything, which builds a Himalayan barrier to entry. क्योंकि अगर कोई मार्केट 40,000 tons per annum की है और वहां पे Vinithi Organics का capacity 40,000 tons per annum का है, तो it does not make a lot of sense for any competitor to come in and compete for that market, because वहां पे सारा market would already be gobbled up by Vinithi Organics. So this is what the company's strategy is. And moreover, fifth part of the strategy includes entering new products again and again. तो उन्होंने एक PAP नाम का product enter करने की try करी थी. The name of the product is para-aminophenol. So this is again used in paracetamol production. जो हम paracetamol खाते हैं, उसकी production में use होती है. But PAP में they have failed over and over. तो again, this is a good aspect, this is a bad aspect too, that they are focusing on PAP. But again, 1998 से ये try कर रहे हैं PAP manufacture करने की. और PAP में भी इनका जो इनका method है try करने का, that is one of the best methods and one of the lowest cost methods in the world. But again, they have failed repeatedly. But the company still tries. Since 1998, they have been trying manufacturing PAP. This just tells us about the persistence and the innovative culture of the management that is there at Vinithi Organics.
So guys, this was the future opportunities bit. What are the sources of risk for the company? So the first biggest source of risk for the company is that constrained in terms of size of opportunity. अगर आज हम Vinithi Organics का return on capital employed देखते हैं, तो chemical industry में at least Vinithi Organics का return on capital employed is the best in the entire industry, top quartile में आता है. 30-35% के बीच में ROC है and this has been maintained over the years. बट what the प्रॉब्लम इज कि इतना ज़्यादा हाई आर ओ सी है और क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी है सिर्फ नीच बिजनेस में एंटर करने की, तो वेन एवर दे हैव टू ग्रो दे हैव टू एंटर न्यू प्रोडक्ट्स, कभी कभी नई केमिस्ट्री चेन भी शायद से एंटर करनी पड़े. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आज क्योंकि इनके इतने हाई मार्जिनस हैं, ATBS में आई थिंक दे मेक मोर देन 40% EBITDA मार्जिनस, राइट, तो दैट इज़ वन ऑफ देयर हाईएस्ट EBITDA मार्जिन प्रोडक्ट. तो जब ATBS में साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी सिंस दे आर ऑलरेडी 65% ऑफ द मार्केट एंड दूसरे में भी सिंस दे आर ऑलरेडी द 65% ऑफ द मार्केट, तो इनका ग्रोथ रेट फॉल्स डाउन टू इंडस्ट्री ग्रोथ रेट विच इन मोस्ट ऑफ द केमिकल्स इज समवेयर बिटवीन 6-8%. तो यहाँ पे साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी का रिस्क है, तो इनको बार बार न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर करना पड़ेगा अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए. एंड सिंस दे हैव अ पॉलिसी ऑफ एंटरिंग ओनली इनटू नीच प्रोडक्ट्स और एंटरिंग इनटू ओनली प्रोडक्ट्स विच आर डिफिकल्ट टू गेट इनटू, द पेस ऑफ इनोवेशन कैन बी रियली रियली कुड टेक अ वेरी लॉन्ग जेस्टेशन टाइम, कैन बी रियली रियली लॉन्ग, कि 5-6 साल में शायद से एक नए प्रोडक्ट में एंटर करें या 10 साल में एक या दो नए प्रोडक्ट में एंटर करें, और कभी कभी उसमें भी फेलियर तो इंकाउंटर करेंगे ही, जैसे पैरामीना फिनॉल में करा था PAP में बेसिकली. सो दिस इज अ सोर्स ऑफ रिस्क. व्हाट इज द सेकंड सोर्स ऑफ रिस्क? इसकी ATBS जैसे प्रोडक्ट में जहाँ पे EBITDA मार्जिन्स आर मोर देन 40%, यहाँ पे सेकंड सोर्स ऑफ रिस्क क्या आ जाता है कि जो भी आप नया प्रोडक्ट एंटर करेंगे वहाँ पे लोअर मार्जिन बिजनेस होएगा. जैसे ब्यूटाइल फिनॉल्स में इनका EBITDA मार्जिन इज समवेयर बिटवीन 15-20%, तो आप 40% प्लस EBITDA मार्जिन से सीधा 15-20% EBITDA मार्जिन पे आ गए. तो हमने ओवर द ईयर्स देखा है वैल्यूएशंस में कि व्हेनेवर द डायरेक्शनल ट्रेंड ऑफ रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टेड कैपिटल इज लोअर देन द पास्ट, शायद से मार्केट उस बिजनेस को इतना वैल्यूएशन नहीं देती इन द फ्यूचर. तो यहाँ पे ये एक सेकंड सोर्स ऑफ रिस्क हो सकता है. व्हाट इज द थर्ड सोर्स ऑफ रिस्क? दिस इज लिंक टू वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी. तो जब हमने ATBS की बात करी थी, हमने देखा था कि ATBS का 30% यूसेज गोज इनटू शेल ऑयल गैस रिकवरी. तो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेनेवर द इंडस्ट्री गोज इनटू डोल्ड्रम, जब भी एंड यूजर प्लेयर गोज इनटू डोल्ड्रम, यहाँ पे जब भी उनका साइक्लिकल डाउनटर्न आता है, तो यहाँ पे ATBS का भी डिमांड काफी घट जाता है, जिसकी वजह से Vinithi Organics की डीग्रोथ भी हो सकती है काफी बारी, राइट? सो दिस इज द थर्ड सोर्स ऑफ रिस्क. So these are 3-4 big sources of risk which are there in Vinithi Organics, and in our view the size of opportunity constraint is the real source of risk, because you have to keep on entering lower margin products until or unless you can keep that innovative engine firing. So guys, now coming to the valuations of the company. So as we can see that the company has grown its sales at a very fast pace in the last decade. So yahan pe ek one off bhi tha 2018-2019 mein one off kya tha ki Lubrizol, which was their second biggest competitor in ATBS, actually exited the market. So yahan pe hum stock chart ko dekh sakte hain, inke sath sath yahan pe hum sales ko dekh sakte hain ki sales actually went up because Lubrizol exited the market. And moreover, what interesting thing comes out in valuations of the company is कि जब भी ऑयल एंड गैस का डिमांड नीचे जाता है, कभी भी जब शेल ऑयल की प्रोडक्शन नीचे जाती है, तो उस टाइम पे Vinithi Organics का स्टॉक चार्ट एंटर्स इनटू अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन. तो कंसोलिडेशन पीरियड में आ जाता है, टाइम करेक्शन मोड के अंदर आ जाता है बेसिकली. तो वैल्यूएशन में ये कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आर इन्वेस्टिंग इन अ शैलो साइक्लिकल बिजनेस, दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल बिजनेस और अ कंप्लीटली साइक्लिकल बिजनेस, दिस फॉल समवेयर इन बिटवीन. तो आज 30-31 टाइम्स का जो प्राइस अपॉन अर्निंग मल्टीपल है लुक्स अ लिटिल एक्सपेंसिव बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि यहाँ पे अगले 2-3 साल के लिए शेल ऑयल की रिकवरी सीम्स टू बी अ लिटिल स्लो. तो अगेन देर आर टू ओपिनियंस टू दिस. व्हाट इज द प्रो ओपिनियन टू दिस? इसकी अच्छे बिजनेसेस तब खरीदने चाहिए व्हेन दे आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम. सो दिस इज द प्रो ओपिनियन टू दिस. व्हाट इज द कॉन ओपिनियन टू दिस? इसकी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में अगर शेल एंड ऑयल गैस की रिकवरी नहीं हुई तो कंपनी इज स्टॉक और कंपनी कैन गो थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम करेक्शन. सो गाइस, दिस वाज अ स्टॉक एनालिसिस ऑफ Vinithi Organics. Do let us know in the comment section ki whether you're on the pro side or on the con side, and do also let us know in the comment section ki kaun si aap company ka next stock analysis dekhna chahenge.
Thank you for joining us, guys. Hope to see you in the next session.